आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि योगी जी 12 मार्च 2007 में भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ लोकसभा में अपने सहयोगियों के बीच खड़े थे और रोए थे। ऐसा कहा जाता है कि योगी जी एक कट्टर नेता है, जो कि कुछ हद तक सही भी है, लेकिन उनका एक दूसरा चेहरा भी है जो 2007 में हम लोगों ने संसद में देखा था जब वो रोए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं उनको रोना क्यों पड़ा था? 2007 में 13 साल पहले बीजेपी सांसद और वर्तमान के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद भावुक मूड में लोकसभा के तत्कालीन स्पीकर सोमनाथ चटर्जी के सामने लोकसभा में अपने सहयोगियों के बीच खड़े हुए थे। स्थिति ऐसी थी कि भगवा पहनने वाले मंत्री के आंसू तक कम हो गए। हालांकि उन आंसुओं का कारण उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। 2007 में गोरखपुर के सांसद को गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी से उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ गई थी। इतना ही नहीं, गोरखपुर में शुरू हुई हिंसा वाराणसी के कुछ हिस्सों में भी फैल गई। मुसीबत तब शुरू हुई जब आदित्यनाथ ने शहर में एक शादी पार्टी में अल्पसंख्यक समुदाय के एक सदस्य द्वारा कथित तौर पर मारे गए एक व्यक्ति की शोक सभा आयोजित करने पर जोर दिया। प्रशासन ने ये आशंका जताई कि सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा और बैठक को रोका जा सकता है, और उस समय सांसद को हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग के लिए सड़कों को अवरुद्ध करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी से शहर में दंगों की झड़ी लग गई। उन्हें 11 दिनों के लिए जेल में बंद किया गया था। आदित्यनाथ के गुरु और पूर्व सांसद महंत अवैद्यनाथ ने गिरफ्तारी को अपमान बताया था। गोरखपुर के गोरखनाथ सर्कल क्षेत्र में व्यापक हिंसा हुई थी। गोरखनाथ मंदिर की दीवार का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गुस्साई भीड़ ने दुकानों, घरों और UPSRTC की बसों में आग लगा दी, जिससे क्षेत्र में प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया। उस दिन लोकसभा में अपमानित महसूस करते हुए आदित्यनाथ ने सदन में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चुना था। एक आंसू भरे आदित्यनाथ ने सदन से पूछा कि क्या वो उन्हें कोई सुरक्षा और आश्वासन दे सकते हैं, और अध्यक्ष से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कैसे संन्यास लिया और अपने माता पिता को पीछे छोड़ दिया ताकि वो समाज और लोगों की सेवा कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि वो गोरखपुर से बार बार कैसे चुने गए थे और इसके बावजूद उनके साथ ये अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया था। मुझे सिर्फ इसलिए अपराधी घोषित किया गया क्योंकि मैंने भ्रष्टाचार को इंगित किया था। मैंने भारत नेपाल में ISI के 60 गांठ का आह्वान किया था, इसलिए मेरे खिलाफ ये मामले गड़े जा रहे हैं, वो कहते हुए सुने जाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि वो इस सब को छोड़ने के लिए तैयार है। अगर वो इस तरीके से बनी रहती है तो वो वापस आ जाएगी। और आप ये विडंबना देखिए कि एक बार पूर्व CM मुलायम सिंह यादव योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाते हुए देखे गए थे। वो आदमी जिसे उसने गिरफ्तार किया था और वर्षों पहले रोने के लिए बनाया था। इसलिए कहा गया है, समय सबका आता है, बात बस समय समय की होती है। लेकिन राजनीति में ये सब तो होता रहता है। किसी नेता के किसी से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समय आने पर वो मित्रता भी कर लेते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और इसी तरह के और भी कई मजेदार तथ्य हम आप तक हर रात 9 बजे यूं ही पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।